हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू पेट्स ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हमारा कुत्ते को ना यहाँ पर रख दिया। एक्चुअली हमारा जो अलाहाबाद की कॉलोनी है ना, उसके मिडिल पॉइंट में दोस्तों देखिए पार्टीशन दे दिया। यहाँ पर है हमारा लव बर्ड और यहाँ पर है हमारा कॉकटेल। लेकिन दोस्तों दो लव बर्ड यहाँ पर घुस गए यार। यहाँ पर तो पार्टीशन है, देखने को मिल रहे हैं ना। लगते है दोस्तों यहाँ से आया है। अच्छा देखिए दो यहाँ पर आ गया। एक्चुअली हमारा कॉकटेल दोस्तों ब्रीडिंग करना शुरू की है, इसलिए मैं इनको अलग जगह पर रख दिया। और ये लोग जहाँ पर था, मतलब इसके इसके अंदर दोस्तों हमारा जो जाबा है ना, उनको रख दिया। ये देखिए दोनों पैर अलग अलग जगह पर है। अब दोस्तों हमारा जो जाबा है ना, वो अंडे देगी। बाय द वे एक सैड न्यूज भी है दोस्तों, हमारा जो डायमंड की बेबी है ना दोस्तों, वो आज मर गई। यहाँ पर रखा मैं, ये देखिए कितना क्यूट सा बेबी है ना। लेकिन दोस्तों ये दोनों पेरेंट्स इस बच्चे को ना खाना ही नहीं खिलाया यार, पेट खाली है। क्या यार ऐसा क्यों किया इन लोगों ने? इसको दोस्तों दफनाना होगा। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो आप लोग डायमंड देखे ना, इनको मैं इन केस के अंदर रखूंगा। ठीक है, यहाँ पर दो रूम है एक केस के अंदर, तो यहाँ पर एक पैर रखूंगा, यहाँ पर एक पैर रखूंगा, बाकी एक पैर दोस्तों इसके अंदर रहेगा। तो चलिए इनको पकड़ते हैं। ठीक है, काफी डरते हैं ये लोग। ये लोग दोस्तों बहुत ज्यादा डरते हैं। कुछ नहीं करूंगा यार, डरो मत। ठीक है, करो 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 यार। ओके ओके, इसको भी पकड़ लिया। डरो मत चलो तुम इसके अंदर रहो। ठीक है, डायमंड दोस्तों लोगों से ना काफी डरते हैं यार, बहुत ज्यादा डरते हैं बाकी बर्ड्स से। इनको दोस्तों खाने के लिए खाना पानी भी दिया गया है। क्यों नहीं खा रहे हो? हाँ ये दोस्तों अपना घर चुन रहे हैं, वो देखिए वो एक्चुअली फीमेल है। ठीक है, इनको दोस्तों नेस्टिंग मटेरियल भी दिया जाएगा। लबर को यहाँ से हटाना होगा, काफी बदमाशी करते हैं कॉकटेल के साथ। हमारा लबर ने दोस्तों तीन बच्चे दी है, लेकिन मैं उनको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि पूरी तरह उसको कवर कर दिया। उस रूम के अंदर मैं जा भी नहीं पाऊंगा यार। सो बच्चे बड़े होने के बाद ही आप लोगों को दिखा पाऊंगा। इनको दोस्तों थोड़ा फूड देना होगा, ये खाओ। इतना ही दोस्तों काफी है, और सभी खाने के लिए भी आ गया। खाओ खाओ खाओ। मैं दोस्तों गोलू मोलू और स्नैपी के लिए बाहर एक सेटअप तैयार करूंगा बहुत ही जल्दी। ये लोग बड़े हो रहे हैं और आई थिंक दोस्तों एक साल के बाद ये लोग अंडे देना शुरू करेंगे। यहाँ पर रहो। ठीक है, हमारा स्नैपी दोस्तों काफी बड़ा हो गया है, देखिए कितना क्यूट है ना, क्यूटी। ओके, इस रूम को क्लोज कर देता हूँ और हमारा फार्म के अंदर जो फिशेज है ना दोस्तों, उनको खाने के लिए फूड देता हूँ। ठीक है, रात के समय दोस्तों मेरा यहाँ बहुत बारिश हुआ, फाउंटेन के अंदर ना बारिश की पानी से दोस्तों भर गई थी, इसलिए मैं पानी को कम कर दिया। खाओ 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 खाओ। वो मोली दोस्तों प्रेग्नेंट है, बच्चे देने वाली है बहुत जल्दी। ओके, इनके लिए इतना ही काफ़ी है। खाओ 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 खाओ। हाँ खा लो दोस्तों। हमारा टुनटुनी की मम्मी प्रेग्नेंट है, 4 महीने हो चुका है। ठीक है, एंड 2 महीने के बाद दोस्तों ये बच्चे देगी। और हमारा टुनटुनी भी दोस्तों प्रेग्नेंट है, 2 महीने हुआ है ना टुनटुनी। ये दोस्तों 4 महीने के बाद बच्चे देगी, है ना टुनटुनी क्यूटी। ये जो डकलिंग दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये सभी बड़े हो गए हैं। क्या चाहिए? इनका ग्रास दोस्तों खत्म हो गया, अभी का भी देना होगा। हेलो क्यूटी। और आप सभी को पता है हमारा रैबिट्स 28 डेज के बाद बच्चे देगी, क्योंकि इन लोगों ने ब्रीडिंग की है। हमारा एंजल दोस्तों अकेली हो गई है, क्योंकि इसके साथ जो मेल था वो मैं मेरा फ्रेंड को दे दिया। तो अब मुझे क्या करना होगा, इसको दोस्तों पकड़ के रुको 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 इनके साथ रखना होगा। अभी का भी दोस्तों रखते हो, हटो यहाँ से, तुम जाओ, लड़ाई मत करना। ओके, क्या हुआ भाई? चलो चलो चलो। हाँ बिल्कुल, झगड़ा मत करना। बर्जिस की कॉलोनी के अंदर दोस्तों फूड है, और ये लोग ना आज बहुत शांत है, देखिए बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे हैं ना। गुड 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 गुड। फिर से दोस्तों हमारा बर्जिस ने अंडे देना शुरू की है, और आप लोगों में से किसी ने मुझे सजेस्ट किया है कि 2 महीने तक दोस्तों गैप देना है, मतलब ये जो मक्खी वगैरह देखे ना दोस्तों, इनको इस कॉलोनी से हटाना है और इनको रेस्ट में रखना है। तो देखते क्या होते हैं,
क्योंकि दोस्तों हमारा कई सारे बच्चे एक्चुअली अंडे दी है, अगर मैं अभी मटकी को हटाऊंगा तो अंडे खराब हो जाएगा, है ना। क्या चाहिए तुम्हें? तुलसी के पत्ते। मेरे दोस्तों तुलसी के पत्ते बहुत शौक से खाते हैं। इसके अंदर 6 अंडे है, ठीक है। जरा जरूरत पड़े तो दोस्तों तभी मटकी को ना इस कॉलोनी से निकाल दूंगा। बाय द वे ये दोस्तों आज का हमारा एक छोटा सा ब्लॉग, उम्मीद करता हूं सबको पसंद आया है। पसंद है तो ब्लॉग को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हुआ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और हमारा इस चैनल के साथ जुड़े रहे। बाय बाय।